My dick in his fucking chopper. Like, can see a bitch, then I might just bust on his face. Yes, sir. Hit flag, slashing, losing the eight ball. I day job, y'all niggas just staying in your place. Yes, sir. Sex, bitch, I hate it when you call like you hard. Calling my back, get you on my way. Yes, sir. Pain on me when I ball, you're too hard. I'm too short. Pimp when I'm coming down a pay. Yes. तो गाइस जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में गाइस आज हम बात करेंगे पांच ऐसे हेडशॉट ट्रिक की जो बड़े बड़े प्रो प्लेयर यूज करते हैं, जैसे राइस्टार, जैक एफ एफ, वाइट एफ एफ एंड ऐसे बहुत सारे प्रो प्लेयर जो मोबाइल पे एकदम ओपी वन टैप मारते हैं, वो इन्हीं ट्रिक का यूज करके वन टैप मारते हैं, जिनके बारे में गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी बंदा वन टैप गेम प्ले में इंटरेस्ट रखता है उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में गाइस मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, वो ट्रिक अभी तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बिकॉज वो ट्रिक अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ये वीडियो गाइस काफी ज्यादा ओपी एंड धमाकेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर गाइस आज आप हमारे इस वीडियो पर 20 क्लिक कंप्लीट करा दोगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा। एंड हां गाइस, अगर आपको हमारा अगला वीडियो देखने के बाद चैनल पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस हम छोटे से इंट्रो के बाद अपने शानदार से वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस ये जो वन टैप ट्रिक है वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस वन टैप ट्रिक है एंड 90% लोग इसी वन टैप ट्रिक का यूज करके वन टैप मारते हैं। सो गाइस इस वन टैप ट्रिक में होता क्या है, आपको क्विक कवर लेना पड़ता है। अब देखो गाइस हम सब यहाँ पे एलियन तो है नहीं कि हमारा सारा गोली एनिमी के हेड पे जाके लगेगा, मतलब कि जब भी हम गोली चलाएंगे तो हमारा गोली एनिमी के हेड पे जाके लगेगा, कभी कभी हमारा गोली मिस भी हो जाता है। सो गाइस ये ट्रिक उस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। तो चलो गाइस मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं। सो गाइस जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो मेरे सामने एनिमी है एंड अगर मुझे इस एनिमी को वन टैप मारना था तो मैंने क्या करा, मैंने डेजर्ट ईगल का एक गोली चलाया एंड वेपन स्विच किया। बट गाइस यहाँ पे मेरा जो पहला गोली था एनिमी पे कनेक्ट नहीं हुआ। तो गाइस उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उस एनिमी पे डायरेक्ट रश नहीं मारा, मैं तुरंत से यहाँ पे क्विक कवर पे चले गया, मतलब कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन को रोटेट करा एंड अपने इस कंटेनर के पीछे चले गया। उसके बाद गाइस एनिमी को क्या लगा कि मैं उस साइड से जाऊंगा एंड उस साइड से एनिमी को जाके मारूंगा। बट गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं जिस साइड से एनिमी के पास जा रहा था मैं उसी साइड से एनिमी के पास गया एंड डेजर्ट ईगल का एक गोली चलाया एंड वेपन स्विच का यूज करके मैंने एक वन टैप इजीली मार दिया। सो गाइस ये ट्रिक काफी ज्यादा यूजफुल है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने एनिमी को कंफ्यूज करके वन टैप मार सकते हो एंड इस ट्रिक को काफी सारे लोग यूज भी करते हैं। अब देखो गाइस आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनका तो लॉन्ग रेंज में वन टैप लग जाता है, बट अगर वहीं पे बारी आती है शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने की तो वहाँ पे उनकी बत्ती गुल जाती है एंड जब कभी भी उनके सामने एनिमी आता है तो उनका शॉर्ट रेंज में ऑलवेज बॉडी शॉट ही लगता है। एंड गाइस ये मेरे साथ भी पर्सनली होता था, बट गाइस मैंने यहाँ पे कुछ दिनों से एक ट्रिक को काफी ज्यादा फॉलो किया है जिस वजह से मेरे यहाँ पे शॉर्ट रेंज में भी वन टैप एकदम ओपी लगने लगा है। सो गाइस इस ट्रिक में बेसिकली आपको करना कुछ नहीं रहता, आपको अपने एम पे ध्यान देना रहता है। एम मतलब कि गाइस आपका जो क्रॉस ईयर होता है उस पे ध्यान देना रहता है। अब देखो गाइस आप सभी को पता है नॉर्मली हमारे यहाँ पे तीन तरीके के एम पोजीशन होते हैं। एक तो गाइस होता है हमारा स्काई अबव एम पोजीशन, दूसरा होता है हमारा मिड रेंज एम पोजीशन एंड तीसरा गाइस होता है हमारा ग्राउंड फ्लोर एम पोजीशन। सो गाइस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग वन टैप मारते वक्त मिड रेंज एम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। जब वो वन टैप मारने जाते हैं तो वन टैप मारते वक्त वो अपने एम को एनिमी के चेस्ट की तरफ रखते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो गाइस ये काफी बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपको शॉर्ट रेंज में एकदम ओपी वन टैप मारना है तो उसके लिए आपको ऑलवेज आपका जो एम पोजीशन है इसे आपको ग्राउंड फ्लोर पर रखना है। मैं इस चीज को गाइस अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। गाइस आप यहां पे देखो मेरे एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में एक बंदा है एंड गाइस अगर मुझे इसे वन टैप मारना था तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एम को ग्राउंड फ्लोर पे ले गया सबसे पहले, जैसे कि अब देख पा रहे हो। ग्राउंड फ्लोर पे एम ले जाने के बाद गाइस मैंने क्या करा, मैंने अपने एम को एकदम से ऊपर करा एंड उसके बाद मैंने अपने वेपन स्विच वाले बटन को प्रेस करा। ग्राउंड फ्लोर एम पोजीशन का इस्तेमाल करने से गाइस होता क्या है, आपका जो एम है एनिमी से डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड जब अपना फायर वाला बटन को ड्रैग करते हो तो आपका जो ड्रैग एनिमी के हेड पे जाके लगता है। अब देखो गाइस यहाँ पे वन टैप मारते वक्त एक दिक्कत बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है, उस दिक्कत का नाम है बॉडी शॉट। मतलब कि जब कभी भी आपके सामने बंदा आता है तो आपका यहाँ पे ओनली बॉडी शॉट लगता है एंड आपका जो एम है एनिमी के बॉडी पे जाके चिपक जाता है। आप जितना भी ड्रैग करते हो तो आपका यहाँ पे ओनली बॉडी शॉट ही लगता है। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आपका यहाँ पे बॉडी शॉट लगना काफी ज्यादा कम हो जाएगा एंड ये जो ट्रिक है गाइस वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस है। इस ट्रिक का नाम है हमारे यहाँ पे जिग जैग मूवमेंट वन टैप ट्रिक। वैसे
वैसे तो गाइस इसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है, बट गाइस स्टिक का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा छोटा है। स्टिक में गाइस बेसिकली आपको करना कुछ नहीं रहता। जब कभी भी आपके सामने एनिमी आता है तो आपको जिगजैग मूवमेंट करना है। जिगजैग मूवमेंट मतलब कि गाइस आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट करना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जब कभी आपके सामने एनिमी आएगा तो आपको एक वन टैप मारना है, एंड वन टैप मारने के बाद अपने वेपन स्विच वाले बटन का इस्तेमाल करना है। यही एक छोटा सा ट्रिक है। स्टिक का इस्तेमाल करने से गाइस होता क्या है, आपका एम एनिमी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, जब हम अपने फायर वाले बटन को ड्रैग करते हैं तो हमारा एम एनिमी के बॉडी पे जाके चिपकता है। बट अगर आप अपने एम को एनिमी से डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से अपने फायर वाले बटन के ऊपर करते हो तो आपका यहाँ पे हेडशॉट लगने का चांस काफी ज्यादा रहता है। तो गाइस जिगजैग मूवमेंट ट्रिक में होता क्या है, आपका एम एनिमी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड जब आप अपने फायर वाले बटन को ऊपर करते हो तो आपका यहाँ पे हेडशॉट लग जाता है। आई होप गाइस आपको हमारा ये वाला ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फ्री फायर गेम्स रिलेटेड ऐसे कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। अब देखो गाइस कभी कभी क्या होता है, जब वो वन टैप मारने जाते हैं तो वन टैप मारते वक्त हमारा पहला गोली एनिमी के बॉडी पे जाके लगता है, एंड उसके बाद गाइस हम होपलेस हो जाते हैं कि हम उस एनिमी को कैसे मारे। तो गाइस यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने उस एनिमी को इजिली वन टैप मार सकते हो जिसको आपने पहले एक बॉडी शॉट मारा था। सो गाइस ये ट्रिक काफी ज्यादा ईजी है, इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता, आपको सिर्फ यहाँ पे 360 टर्न लेना रहता है। मैं चीज को आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, मेरे सामने एनिमी था एंड मेरा यहाँ पे पहला गोली एनिमी पे बॉडी शॉट लगा। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने तुरंत से 360 टर्न लिया, एंड टर्न लेने के बाद अपने एनिमी को इजीली वन टैप मार दिया। मैं चीज को गाइस अभी आपको यहाँ पे रियल टाइम में दिखा देता हूँ। आप सभी को पता है गाइस, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के बिना अधूरी रहती है। ठीक उसी प्रकार गाइस अगर आपको फ्री फायर में वन टैप मारना है तो उसके लिए आपको वन टैप का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर गाइस आपका यहाँ पे वन टैप नहीं लगता तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके 5-6 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। मैं तो गाइस ऐसे ही करता हूँ, जब मेरा यहाँ पे वन टैप नहीं लगता तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता हूँ, एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बाद वन टैप मारता हूँ। आई होप गाइस आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye bye all. Love you. Take care.